हेलो गाइस, आर्ट एंड वेजेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि वहाँ पर बैंकिंग की सारी मैंने स्ट्रेटजी बताई है, पिछले वर्ष के पेपर वगैरह के बारे में बताए हैं, वैकेंसी वगैरह के बारे में बताया हुआ है, सैलरी वगैरह सारी चीज़ वहाँ पर मैंने बता दी है। यहाँ पर मैं आपके लिए इसका सिलेबस लेकर के आया हुआ हूँ। और सबसे पहले मैं सिलेबस प्री एग्जामिनेशन का बताना चाहूँगा। और प्री एग्जामिनेशन के सिलेबस में मैंने सबसे पहले इंग्लिश को रखा हुआ है, तो इंग्लिश के सिलेबस को मैं आपसे सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। बता दूँ कि SBI मैं मेनली तीन एग्जाम को फोकस करके आपको सिलेबस स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, IBPS, रीजनल रूरल बैंक या RRB, और तीसरा IBPS। इन्हीं तीनों बैंक एग्जामिनेशन में PO का और क्लर्क का एग्जामिनेशन होता है, तो PO और क्लर्क के जो सिलेबस हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं, बस केवल क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस हो जाता है। PO का जो लेवल होता है थोड़ा सा गुड लेवल होता है, जबकि जो क्लर्क का लेवल होता है थोड़ा सा डाउन रहता है। मॉडरेट से ऊपर का जो रहेगा वो PO रहेगा, मॉडरेट से नीचे या इजी लेवल जो रहेगा वो क्लर्क का रहेगा। तो देखते हैं कि मैंने आपको PO के एग्जाम के लिए इंग्लिश सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, बताई हुई है। यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट RRB प्री एग्जामिनेशन। तो जो RRB प्री एग्जामिनेशन रीडर जो ग्रामीण बैंकों का, रीजनल रूरल बैंक का जो एग्जामिनेशन होता है, उसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें केवल मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है, उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। IBPS और SBI में सिर्फ और सिर्फ तीन सेक्शन होते हैं प्री में, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, मैथ इंग्लिश और रीजनिंग का, तीन का। तो उनमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंग्लिश बताया हुआ है कि PO प्री या क्लर्क पी के लिए आपको इंग्लिश कैसे तैयार करनी है, और वहां पर क्या क्या 2018 में पूछा गया है, सेम लगभग वैसा ही पैटर्न बनने वाला है, एक आधी चीज नहीं जोड़ी जा सकती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम लोग पैसेज भी बोलते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी कभी 5 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी 10 नंबर का, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी चीजों में घटा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद क्लोज टेस्ट है, जो पिछले वर्ष नहीं पूछा गया है, बहुत कम ही एक दो जगह सुनने में आया है कि आया हुआ था। क्लोज टेस्ट का मतलब है जो पैसेज होता है और उसमें फिल करना होता है वर्ड्स को या फिर किसी फ्रेजल वर्ड को, तो ये आपका फिलिंग पैसेज के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्लोज टेस्ट कहते हैं। तीसरा आता है कॉमन एरर जानने के लिए, हमें कोई सेंटेंस दिया रहता है तो उसमें हमको एरर फाइंड आउट करनी होती है, तो कॉमन एरर हो गया। चौथा आता है कि हमें सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, कोई वर्ड हमें वहां पर फिल करना होता है, प्रीपोजिशन फिल करना होता है या कोई फ्रेजल वर्ब फिल करनी होती है। पांचवा होता है पैरा जंबल, जिसको हम लोग PQRS के रूप में ऐसे जनरल लैंग्वेज में समझते हैं, किसे हम PQRS कहते हैं। जो पिछले साल 6वीं और 7वीं नई चीज आई थी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो है सेंटेंस का कनेक्टर, सेंटेंस को किस वर्ड से कनेक्ट किया जाए कि ग्रामेटिकली करेक्ट एक नया स्टैंजा तैयार हो या एक नया पैराग्राफ तैयार हो, ऐसा करके पूछा जाता है। तो पूछा गया है पिछले वर्ष, काफी पूछा गया है, इसके पांच पांच क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और नई चीज मिल जाने के कारण थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा लोग जो है कंफ्यूज जाते हैं कि इसको करें या ना करें, क्या चीज है। और वैसे ही सातवां जो को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि अब ये जो ST है, स्पीड टेस्ट करवा रही है जो इंस्टीट्यूट वगैरह या फिर जो कंपनीज, तो अब ये सारी चीजें उनके स्पीड टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर मिलने लगा है प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ चीजें दे दी जाती हैं या कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं या एक छोटा छोटा स्टेंजा दे दिया जाता है, छोटा छोटा सेंटेंस दे दिया जाता है, इनको कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3 दे दिया गया है, यहाँ पर दे देगा ABC, तो 1 को 3 से जोड़ सकते हैं आप, 1 को 2 से जोड़ सकते हैं, 1 को किससे जोड़ा जाएगा, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करने के लिए हमको दिया जाएगा, और मिलान ऐसा करना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस तैयार हो। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसमें हमको दो दो काम करने पड़ते हैं। एक तो हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कॉलम 1 की चीज कॉलम 2 के किस चीज से जाकर के करेक्ट होने वाली है, और फिर उसको पूरे को हमें चेक करना है कि ये करेक्ट होने के बाद ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो के दोनों। इनकी प्रैक्टिस नए साल की तैयारी करने के लिए करने वालों को तो भाई बहुत करनी पड़ेगी, ये नई चीज है, इसके लिए आपको स्पीड टेस्ट में मिलना है या फिर आप जब कोचिंग कहीं ज्वाइन करेंगे या फिर यूट्यूब में कोई ना कोई डाला होगा, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में, आपको मिल सकता है, या फिर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है कुछ समय बाद। फिलहाल मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए ही ओरिएंटेड रहता हूँ, उन्हीं पर मैं अपने ज्यादा से ज्यादा वीडियोस तैयार करने वाला हूँ, तो मुश्किल है कि इंग्लिश का मेरे पास से निकले। तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको जब भी जरूरत महसूस हो आपको कोई ना कोई टीचर मिल जाएगा जो इस चीज को पढ़ाता हुआ नजर आएगा, इसके प्रैक्टिस करवाता हुआ यूट्यूब में नजर आएगा। इसके बाद 8वां पॉइंट है फ्रेजल वर्ब लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेजल वर्ब जो है
सेकेंड लास्ट ईयर से पूछा जाने लगा है, मतलब कि 2017 से खूब पूछा गया है फ्रेजल वर्ब, और पिछले साल भी पूछा गया, मतलब कि 2018। और इसके बाद आता है कि मॉडिफाई द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट में एक छोटे से पार्ट को या फिर एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है, और नीचे चार ऑप्शन पांच ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनको आप मॉडिफाई करिए या इसको किस चीज से रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये मॉडिफाई करने के लिए आता है अंडरलाइन। और 10वां क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा वर्ड पावर के लिए एंटोनिम सिनोनिम ये सब लिख दिया हुआ है। ये एंटोनिम सिनोनिम तो कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही पूछे जाते हैं, कभी कभी अलग से पूछे जाते हैं। तो आपका थोड़ा वर्ड का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, वर्ड पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसेज में 10 में से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो वर्ड पावर के रहते हैं। आपको जब जब तक करेक्ट वर्ड का या फिर करेक्ट वर्ब का सही से नॉलेज नहीं होगा, इनमें से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं इसकी बता दूं कि जो एसएससी की रीजनिंग होती है और बैंकिंग की रीजनिंग, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एसएससी की रीजनिंग आपसे नॉलेज चेक करती है, आपसे ढेर सारे रूल्स वगैरह चेक करती है, जबकि जो बैंकिंग की इंग्लिश है, बैंकिंग की इंग्लिश अगर आप फील कर पाते हैं, उसके मोड को, उसके भाव को समझ पाते हैं, तभी आप बैंकिंग की इंग्लिश को सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। और बैंकिंग की इंग्लिश को सही से सॉल्व करने के लिए आपको रटना कम है, पढ़ना कम है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक छोटा सा एप्लीकेशन है द हिंदू ऐप, ये द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है उसका एक एप्लीकेशन है द हिंदू ऐप, आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा उसको, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्लाइड बनाकर डाली हुई है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। तो ये जो द हिंदू का ऐप है, ये ऐप से आपको पर डे एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ पढ़ना है, समझना है, जिद बना करके पढ़िए इसको, तभी आपसे हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही बोरिंग होती है बहुत से लोगों के लिए। तो जिनको भी इंग्लिश में समझ में आता है कि हम वीक हैं, इंग्लिश में कोई वीक नहीं होता है, ना कोई बहुत स्ट्रांग होता है, इंग्लिश प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। आप जितना ज़्यादा इसे पढ़ोगे समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें रोज एक या दो आर्टिकल पढ़िए। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो पॉलिटिक्स का पढ़िए, और किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो उसका पढ़िए, इसमें ढेर सारे ऑप्शन है, आप जाकर के इसको देख लीजिएगा। एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ तीन पैराग्राफ जितना आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश के लिए पढ़िए, बैंक की इंग्लिश के लिए इससे अच्छा और कोई बेहतर तरीका नहीं है। पढ़िए, वर्ड्स के फॉर्मेशन को समझिए, और जो बेसिक रूल होता है, बेसिक ग्रामर रूल्स होते हैं, उनको तो आना ही चाहिए। उनके आने के बाद आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो यहाँ से होगी, क्योंकि जो बैंकिंग का पूरा सिलेबस है, जो दिखा तो है कि पी क्यू आर एस है, सेंटेंस है, करेक्शन है, फ्रेजल वर्ब है सब कुछ वही, लेकिन जिसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग एबिलिटी वीक है वो नहीं कर पाएगा कुछ भी इसमें से। जो पढ़ने में स्ट्रांग है, समझने में स्ट्रांग है इंग्लिश को, वही कर सकता है। तो इसलिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए, या तो आप न्यूज़पेपर लगवा लीजिए इंग्लिश का, उससे प्रैक्टिस करिए। तो इंग्लिश के लिए ये था, आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग के लिए, कि रीजनिंग के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है और रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता जैसा कि है। रीजनिंग का सिलेबस मैं आपको अब बताने वाला हूँ, इंग्लिश का सिलेबस आप देख चुके होंगे, मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि दूसरा जो इसमें पार्ट है रीजनिंग के सिलेबस का, वो प्री एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पर SBI, RRB, IBPS तीनों एग्जामिनेशन के लिए आपको सेम पैटर्न पे तैयारी करनी पड़ेगी। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से ऊपर जाने की कोशिश करिएगा प्री एग्जामिनेशन में, तैयारी करते समय, तब जाकर के आपका एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा रीजनिंग में। रीजनिंग के सिलेबस को मैंने दो पार्ट में बांटा हुआ है, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा, ग्रुप वन और ग्रुप टू में। इसमें ग्रुप टू हमारा जो पजल से रिलेटेड है, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, मैं इस सारे को पजल्स ही कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पहेली ही दी जाती है, पहेली बुझाई जाती है, और फिर उसी पहेली के अकॉर्डिंग हमको सिटिंग अरेंजमेंट सेट करना होता है, तो ये भी एक पजल ही है। लोग बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से पढ़ाने वाले एजुकेटर्स हैं, वो सिटिंग अरेंजमेंट को अलग रखते हैं, पजल्स को अलग रखते हैं, लेकिन मैं सिटिंग और पजल को एक ही मानता हूँ, पजल इसको ही कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं ग्रुप वन में हमारे पास सबसे पहले क्या है, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर आ सकता है या रंग नंबर आ सकता है सीरीज में निकालने के लिए। दूसरा आ सकता है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, एक नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग है। तीसरा सिलोगिज्म पूछा जाता है यहाँ पर। चौथा इनइक्वालिटी पूछा जाता है, और पांचवा ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, छठवा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जितना लिखा हुआ है, ये पूछे ही पूछे जाते हैं, और अतिरिक्त चीज क्या, एक या दो चीज, तीन चीज क्या बनाई जा सकती है, पूछी जा सकती है, वो मैं आदर्श में यहाँ पर लिख दिया हूँ, और इनके वीडियोस मैं समय समय पर बनाता रहूंगा, आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसका फायदा मिलता रहेगा। इसके बाद डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है,
डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से किन्हीं टॉपिक्स को निकाल करके बना लिया जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। फिर बाद मशीन इनपुट एट आउटपुट, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। उसका रोल कोड बनाना आप अगर सीख गए तो कितनी बड़ी कितनी कठिन आ जाए, हाई लेवल वेरी हाई लेवल आप बड़े आराम से कर पाएंगे। रैंकिंग आएगा और अदर्स में, अदर्स में मैं अदर्स इसलिए लिख दिया हूँ 10वें पॉइंट पर कि अदर्स में बहुत ढेर सारी चीज़ आ सकती है, जैसे कंडीशनल नंबर्स आ गए या फिर और कुछ ऐसी चीज़, मैथमेटिकल रीजनिंग आ गई, कुछ भी आ जाए तो उसके लिए आप तैयार रहें हमेशा से। तो अदर्स पे आ गया। इसके बाद जो ग्रुप टू है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, इसको जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है ऐसे समझ लेंगे, ऐसे ही इसकी तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी आपके लिए। सबसे पहले लीनियर ऑर्डर में सिटिंग अरेंजमेंट दिया हूँ और पैरेलल लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट दिया हूँ। ये लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट का है, फिर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, और चौथे नंबर मैंने दिया सिटिंग इन लाइन, काउंटिंग करनी होती है, 40-50 लोग बैठा दिए जाते हैं, उनके प्लेस को चेंज कर दिया जाता है, तो इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुका है, बैंक में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद जो पांचवा है ये भी बहुत, ये पजल के लिए जो मैंने अलग सा लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्लोर बेस पजल आ सकती हैं, बॉक्स बेस पजल आ सकती हैं, डे बेस पे पजल आ सकती हैं, मंथ बेस पे आ सकती हैं, ग्रुपिंग करके दी जा सकती हैं। जैसे दे दिया है कि क्लास 6, 7, 8 में 7 लड़के टोटल पढ़ते हैं, केवल एक ही क्लास ऐसी जिसमें 3 पढ़ते हैं, बाकी सभी में 2-2 पढ़ते हैं, तो ये ग्रुपिंग का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद छठवा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है मिक्स पजल, एक ऐसी पजल जो ना कि फ्लोर हो ना कुछ हो, तो उसको हम मिक्स पजल की श्रेणी में रखेंगे। इसके लिए भी आपको वीडियो मिलता रहेगा समय समय पर। और सातवां आ जाएगा वॉच टाइमिंग के लिए कि हर बस 5 मिनट पे निकलती है, 10 बजे एक बस निकल गई, मोहन निकला वो 5 मिनट से छूट गया, अगली बस उसे कितने बजे मिलेगी, इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है हमारे वॉच टाइमिंग पे शेड्यूल्ड हो जाएंगे। तो ये आपका जो है रीजनिंग का सिलेबस, इसकी स्टडी आपको कहाँ से करनी है, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला काम, नोट करने के बाद आप इनको यूट्यूब पर सर्च करें या फिर मेरा जो चैनल दिया गया है यूट्यूब का, जिस पर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर मैं एक एक टॉपिक का वीडियो बनाता जाऊंगा और अन अकेडमी में इसका डिस्क्रिप्शन देता जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब है यूट्यूब में मैं आपको इसका जो बेसिक रूल है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आपको समझा दूंगा। इसके बाद जो प्रैक्टिस करना है आपको अन अकेडमी में चले जाइएगा, वो भी बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आपका ये यूट्यूब चल रहा है, वहाँ पर सीखने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर स्लाइड व्यू रहेगा, वीडियो भी दोनों व्यू रहेगा, आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके उसके जितने पार्ट्स में जितने इमेज लगाई गई हैं उनको आप अलग से देख सकते हैं, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। वहाँ पर मैं ढेर सारे लेसन आपके लिए डाल दूंगा, ढेर सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपके लिए डाल दूंगा। ऑलरेडी मैंने वहाँ पर सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट का, इनइक्वालिटी का और मशीन इनपुट आउटपुट का ऑलरेडी वहाँ पर दे दिया हुआ है, और RRB स्केल वन इंटरव्यू का मैंने वीडियो बना दिया है वहाँ पर, तो इतनी चीज़ अभी वहाँ पर है और मैं ऐड करता रहता हूँ डेली वहाँ पर। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो मैंने टॉपिक दिए हैं, इनको आप सर्च करिए, सर्च करके इस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके जो ट्रिक्स हैं, बेसिक ट्रिक्स हैं या फिर सबसे अच्छे ट्रिक्स हैं, उनको सीखना शुरू करिए। मेरे चैनल में आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि मैंने अभी तक जितना पढ़ा हुआ है, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं बार बार बताता रहता हूँ, मैं 2014 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हुआ हूँ, तो ढेर सारी कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स मैंने जनरेट करी हैं, जो कि सभी कॉन्सेप्ट्स और सभी ट्रिक्स का जो सबसे इजीएस्ट मेथड निकलेगा वो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको इन सब टॉपिक्स पर ढेर सारे वीडियो आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे। और बाकी आप अदर चैनल पर भी जाएं, वहाँ पर भी सर्च करें, कंपेयर करें चीज़ों को, वहाँ से अगर आपको सीखने में अच्छा लगता है तो वहाँ से भी सीखें और हमसे भी सीखें। तो चलिए आगे, जो इसका तीसरा पार्ट है मैथ का या क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसको क्वांट बोलते हैं सब लोग स्टाइल में कि हम क्वांट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है और ये मैथमेटिक्स है। तो इसका सिलेबस क्या है बैंकिंग के लिए, प्री एग्जाम के लिए, तो ये आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वांट का सिलेबस देने के लिए बोर्ड पर मैंने लिख दिया हुआ है पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस, आपको कैसे तैयार करना है। देखने में ये तो बहुत बड़ा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन जो विद इन टाइम हमसे सोल्यूशन करना होता है या अटेम्प्ट करने होते हैं वो ग्रुप 1 से हमको करने होते हैं। ग्रुप 2 से हम बहुत ही कम क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 35 क्वेश्चंस हमारे मैथमेटिक्स से आ रहे हैं, तो 35 क्वेश्चंस में हम सारे के सारे जो है ग्रुप 2 से नहीं करते हैं, ग्रुप 2 से हम बहुत कम करते हैं। यहाँ पर ग्रुपिंग हमने इसलिए कर दी है क्योंकि जो ग्रुप 1 है उसमें बल्क से क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 क्वेश्चन, और जो ग्रुप 2 है मिसलेनियस का, इसमें हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ सकता है या कोई चैप्टर छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एक एक टॉपिक लिखा है हर टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अगर ये टॉपिक आया तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखते हैं ग्रुप 1 में हमने सबसे पहले नंबर सीरीज लिखा है,
नंबर सीरीज में आपके पास मिसिंग सीरीज आ सकती है या तो रंग मैन आउट सीरीज की आ सकती है। नंबर दो पे हमने क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू लिखा हुआ है आपको। दो इस क्वेश्चन में, ये नया क्वेश्चन है, नया मेथड है इसका पूछे जाने का। इस क्वेश्चन में आपको दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और दोनों को आपको वेरी करना होता है कि क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू से बड़ी है या छोटी है, या बराबर है छोटी है, या बड़ी है छोटी है, या दोनों बराबर हैं, या इनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया तो ये नहीं पूछा जाएगा, अगर क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू पूछी गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, डाटा इंटरप्रिटेशन। लाइन, बार, टेबुलर डीआई, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई, पैराग्राफ स्टडी करके जो डीआई बनती है वो, एटसेट्रा, ढेर सारे डीआई बनाने के तरीके हैं जिनमें जो मैक्सिमम 99% की जो डीआई है जो अभी तक आई है, पूछी गई हैं या एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। और पांचवे में अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन मैंने लिखा हुआ है। छठवे पे डाटा सफिशियंसी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी डाटा सफिशियंसी पूछी जाती है। सातवें पे मैंने आदर्श लिखा हुआ है कि कुछ अगर बल्क में पूछा जाता है तो वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही होगा, और कोई चीज छूटी नहीं। फिलहाल मैंने यहाँ पर आदर्श इसलिए लिख दिया हुआ है कि बाय द वे मुझे कुछ छूटा हुआ मिलेगा तो मैं आगे के वीडियोज में उन चीजों को, उन पॉइंट्स को क्लियर करता रहूंगा। इसके बाद आपका जो ग्रुप टू है उसमें मिसलेनियस पार्ट पूछा जाएगा आपसे। मिसलेनियस में एक एक क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन आता है मिसलेनियस से, लेकिन यहाँ पर हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। और डीआई का जो पार्ट होता है, अगर लाइन पूछी गई तो 5, और डीआई अकेले, अगर डीआई देखा जाए तो डीआई से अकेले 10 10 नंबर, 15 15 नंबर का पूछा जा सकता है। लाइन भी पूछ ली गई, पाई चार्ट भी पूछ ली गई, कैसलेट भी पूछ ली गई। तो इस तरह से सबसे ज्यादा तो डीआई से पूछा जाता है, और डीआई बेस्ड होती है इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स पर, या तो परसेंटेज पे आ जाएगी या तो प्रॉफिट लॉस पे आ जाएगी। तो ये भी आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, एज एंड एवरेज से आते हैं, मिक्सचर एंड पार्टनरशिप से आते हैं, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन से आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं, इंटरेस्ट से आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के आते हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, और टाइम एंड डिस्टेंस के, जिसमें ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, नॉर्मल समय चाल दूरी, सारे क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। और ये आपका 9वां दिया है वैल्यूम एंड एरिया, 10वां दिया है मैंने प्रोबेबिलिटी, 11वां दिया है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, 12वें मैंने अदर्स दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने जितने भी टॉपिक्स टू द पॉइंट लिखे हैं ये सारे के सारे पूछे गए हैं, सारे के सारे। इसमें से कोई भी एक चीज आप छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने छोड़ा तैयारी करते समय तो एग्जाम में आपसे ये चीज नहीं मिल पाएगी। आप यहाँ से एक आधी चीज छोड़ सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि हम लोग भी जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो मिसलेनियस के होते हैं हम लोग ड्रॉप करते जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से मैक्सिमम नंबर गेन करते हैं। तो कोई बंदा अगर केवल इतना तैयार कर लेता है बहुत अच्छे से, तब भी उसका क्वांट सेक्शन क्लियर हो जाएगा, क्वांट में वो अच्छा स्कोर कर ले जाएगा। लेकिन तब भी इसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये तीन चार जो टॉपिक हैं, ये चौथा, पांचवा, छठवा और ये मिक्सचर का, ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नंबर निकलते हैं। टाइम एंड वर्क से, टाइम डिस्टेंस से, टाइम वॉल्यूम से यहाँ से नंबर निकल जाते हैं। तो ये जो चार पांच यहाँ पर दिए हुए हैं इनको छोड़िए नहीं, इनको हमेशा तैयार रखिए। जबकि एसएससी में क्या होता है, एसएससी में आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं वहाँ पर एसएससी में, वहाँ पे आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम में आपके पास ड्रॉप करने का ऑप्शन होता है, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बैंकिंग में एसएससी की तुलना में कम मेहनत करनी पड़ती है। हम चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं, अगर हमें आधी मेहनत आती है तब भी हम काम कर सकते हैं। अगर किसी को केवल मैथ का बेसिक आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, तभी वो अगर केवल मैथ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे तब भी उसका मैथ में काम बन जाएगा। जबकि एसएससी की तैयारी में हर चैप्टर पे, हर टॉपिक पे 75 तरह के सवाल बनते हैं, सभी तरह के तरीकों को याद करना पड़ता है, सारे सूत्रों को याद करना पड़ता है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, बहुत ही लेंदी चैप्टर्स हैं, इनमें हमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसमें फार्मूले हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स हैं, बहुत मतलब डीप में एकदम स्टडी करनी पड़ती है मैथमेटिक्स की, जबकि यहाँ पर आपकी डीप में स्टडी बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर इन सब चीज़ों के, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके तो शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है। एक क्वेश्चन आपका 5 5 सेकंड में हो सकता है, एक क्वेश्चन आपका 1 सेकंड में भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसी ऐसी ट्रिक्स मौजूद है, मैं इनके लिए वीडियो आपको देता रहूंगा। तो ये था आपका जो है बैंकिंग की प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस।
आप कमेंट करके बताइए अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो। अदरवाइज आपको ये कैसा लगा आप इसको कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तब हमको उसका आइडिया मिलता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर मैंने अनअकैडमी के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर के मुझे अनअकैडमी में ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं बैंकिंग के जो कोर्स अपलोड कर रहा हूँ वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप वहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपकी सारी तैयारी वहीं से हो जानी है, मैथ्स और रीजनिंग की। इंग्लिश का रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा तो आपके तीनों की तैयारी हो जाएगी। ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं, किसी कारणवश वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिंग उनके घर से दूर है, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम। तो ये जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है इसको डाउनलोड करिए, इसमें सारा जो वीडियो वगैरह पड़ा हुआ है ये सब फ्री में आपका चलता रहेगा। जो पेड कोर्सेज है वो बाद के लिए हैं, लेकिन आपको जो सीखने का तरीका है सीखने के लिए आपका जो अनपेड कोर्सेज हैं, जो फ्री कोर्सेज हैं, वो सारे आपके मिल जाएंगे। फ्री कोर्सेज में ही इतना मटेरियल पड़ा हुआ है कि आप सिलेक्शन लेके जा सकते हैं, पेड कोर्स आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा, मुझे फॉलो जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में अपने।